फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया। सुप्रियाज रान्नाघर में आप सबको स्वागत है। मैं आज आपके सामने हिंदी में रेसिपी बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं बंगाली हूँ। सबका रिक्वेस्ट है आप हिंदी में बताइए, इसलिए मैंने आप सबके सामने परवल की रेसिपी लेके आई हुई। परवल कड़ी बना के दिखाऊँगी कैसे, बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। और ये परवल को बनाने के लिए मैंने इधर आधा किलो परवल लिए हूँ। आप इसको अच्छे से काट के, मैंने ऐसे बारीक बारीक करके काट लिया हो। और ये परवल का रेसिपी बहुत टेस्टी रहता है। और इसका जो का है, इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसका भी रेसिपी बनाऊंगी और बहुत आसान तरीके से। अभी मैंने ये परवल कड़ी बनाने के लिए मैंने आलू और परवल को ले लिया हो। आलू और परवल को अच्छे से काट के धो के साफ कर ली हो। अभी इसको बनाने के लिए कढ़ाई में तेल बिठा दियो गैस के ऊपर, और गर्म तेल में मैंने आलू डाल देती हूँ। दो आलू मैंने ऐसे डुमो डुमो करके काट लिया हो। थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा क्षमा करना, कुछ गलत बोलना तो क्षमा कर देना। अच्छे से आलू को फ्राई करना है। और आलू को फ्राई करने के पहले मैंने इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर देने से आलू का कलर बहुत अच्छा आएंगे, गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे। थोड़ा सा ही हल्दी देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं देती हूँ। और ऐसे हिलाने के बाद मैंने गोल्डन ब्राउन करके ये आलू को उठा के रखूँगी साइड में। और अभी इसमें परवल भी डाल देती हूँ। और ये आलू को एक प्लेट में मैंने निकाल लूँगी। इस तरह से परवल को भी मैं कर लूँगी। आलू और परवल को दोनों को एक साथ करने के बाद मैंने इसमें सारे मसाला डालूंगी। और क्या क्या मसाला मैंने ये परवल कड़ी में देने वाली हूँ वो अभी बताती हूँ। मैंने मिक्सी की पॉट में ले लिया हो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। ये सारी मसाला को अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। इधर मेरा परवल अच्छे से फ्राई हो गया। और ये पेस्ट हुआ मसाला मैंने डालूंगी तेल के अंदर। और इसके पहले मैंने इसमें डालूंगी गरम मसाला और जीरा और तेजपत्ता। और ये पूरा फोड़नी में दे रही हूँ। इसका तड़का देने के बाद ही मैंने इसमें डालूंगी पेस्ट हुआ मसाला। पेस्ट हुआ है मसाला को देखिए अच्छे से मुझे फ्राई करना है, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सारा ड्राई किचन में जो हमारा मसाला रहता है वो मसाला डालूंगी। और वो मसाला डालने के बाद अच्छे से मुझे भूनना है। और क्या क्या मसाला डालूंगी वो भी आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको सारा रेसिपी आप देखते रहना। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। जैसे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने ले लिया सब एक टेबल स्पून, कुकिंग मसाला का स्पून का माप से ले लिया हो। सारी मसाला को देते हुए मैंने उसको अच्छे से हिलाना है। और इसमें मैंने, आप लोग लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, मसाला जल ना जाए, इसलिए मैंने इसमें दही डालूंगी 2 टेबल स्पून। ज़्यादा खट्टा दही मत लेना, मैंने थोड़ा मीठा दही लिया हो। 2 चम्मच दही को देके अच्छे से मसाला को भूनना है। इसमें परवल कली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप लोग को मैं बता रही हूँ क्योंकि सबका रिक्वेस्ट है मुझे हिंदी से बताने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ हिंदी में बताने के लिए। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा बोलने का तरीका, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे करके मैंने सारे मसाला के साथ परवल और आलू को अच्छे से हिला लिया। अभी इसमें मैंने पानी डालूंगी। और एकदम ठंडा पानी मत देना, थोड़ा सा गुनगुना पानी सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट बरकरार रहता है। इसमें मैंने पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी। थोड़ा सा उबल आ जाने के बाद मैंने इसको ढक्कन लगा दूंगी 5-7 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम लो करके इसका ग्रेवी तैयार कर लूंगी। ऐसे अभी गैस का फ्लेम लो कर देती, हाई देने के बाद थोड़ा सा ये हो गया। अभी इसको अच्छे से पिघल गया, मेरा सब्जी पूरा बन के रेडी हो गया। और उतरने के पहले इसमें आप गरम मसाला और घी भी डाल के गरम गरम रोटी, पराठा, चावल के सब सर्व कर सकते हैं। मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। और हिंदी भी कैसे बताई मैंने वो भी बताना। मेरा रेसिपी तैयार हो गया, मैं सर्व करने वाली हूँ। और आप लोग मेरा चैनल को जरूर जरूर, जिन फ्रेंड लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे रहना, खुश रहना, ठंडी अच्छे से